हाय दोस्तों, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूं सी फाइनल मई 22 की ऑल इंडिया 12th रैंकर फरहानपुर रहमान से। फरहान ने 800 में से 587 मार्क्स लाए हैं और ऑल इंडिया 12th रैंक अचीव किया है। फरहान, कैसे पता चला आपको रिजल्ट के बारे में? सर, मॉर्निंग में आया रिजल्ट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। मेरे प्रिंसिपल का कॉल आया, उन्होंने कहा कि रिजल्ट आ गया, एक बार ही चेक करो, आप मेरे को बताओ। तो उनकी कॉल से मिली कि यार रिजल्ट आ गया है। देन आई चेक, देन आई इन्फॉर्म्ड हिम एंड आई इन्फॉर्म्ड यू। आई वाज वेरी मच एक्साइटेड व्हेन आई सॉ माय रिजल्ट। अच्छा, पापा मम्मी को कैसा लग रहा है? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। जो मैं स्माइल देखना चाह रहा था उनके फेस पे, वो देख लिया मैंने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा मतलब वो रहते थे कि हाँ साहब हमारा मेहनत सफल हो जाए, और वो मेहनत सफल हो गई। और बहुत खुशी की बात है कि आपके पेरेंट्स को भी आपको प्राउड होगा कि हाँ साहब हमारा बच्चा सीए बन गया, और वो भी रैंक के साथ में। हाँ सर। हाँ अच्छा फरहान, आप देखो ये आपका जो मेहनत करी है और आपको सक्सेस जो मिली है, उसका बेनिफिट आपके जो जूनियर्स हैं उनको मिलना चाहिए। तो कुछ इश्यूज जिनमें जूनियर्स कंफ्यूज रहते हैं, तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो जैसे सीए एंट्री क्लियर करने के बाद में आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है, तो आर्टिकलशिप के साथ साथ में स्टडी को कैसे बैलेंस किया जाए? यानी शुरू से ही स्टडी चालू कर देनी चाहिए या कुछ टाइम रुकना चाहिए? क्योंकि जैसे फर्म में जाते हैं कई बार कहते हैं सर अभी से क्या पढ़ोगे, भूल जाओगे, तो वो चीज़ें मतलब कब से स्टडी करनी चाहिए ये बताओ एक बार। सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने तो अपनी जो स्टडीज़ थी वो अराउंड 4 मंथ्स, जब मेरा इंटर क्लियर हुआ उसके 4 महीने बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज मेरा टारगेट यही था कि मेरे को जो 6 मंथ एग्ज़ाम से पहले के होते हैं वो मेरे खुद के चाहिए। तो मेरा टारगेट था कि 6 मंथ पहले मेरा जो सिलेबस है वो पूरा ख़त्म हो जाए। तो मैंने सारी क्लासेस जो थी वो एग्ज़ाम से अराउंड 1 मंथ पहले, मतलब वो 6 मंथ से अराउंड 1 मंथ पहले मैंने ख़त्म कर ली थी। तो आई वॉज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है, अब एक बार ही सिलेबस तो हो गया, अब जो है वो मेरे ऊपर है। देन आई जॉइन द मॉक टेस्ट सीरीज एंड ऑल। अब जो लास्ट में आपका जो मॉक टेस्ट रहा, लास्ट के जो 6 महीने में मॉक टेस्ट सीरीज चली, तो मॉक टेस्ट सीरीज में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते थे आप जिसका टेस्ट होता था, या बाकी और भी पढ़ते थे? नहीं, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट होता था उसी सब्जेक्ट को पढ़ते थे हम। और कोशिश करते थे कि जैसे अगर 7 दिन या 8 दिन का गैप मिल रहा है तो एक ही सब्जेक्ट जो कर रहे हैं वो मिनिमम 2 बार हो जाए, कि मतलब एक बार तो डिटेल्ड हो जाए और एक बार समरी में भी हो जाए। तो ये मॉक टेस्ट ने कैसे हेल्प करी आपकी मतलब एग्जाम प्रिपरेशन में? सर, मॉक टेस्ट का ये रहता है कि मतलब प्रैक्टिस उससे अच्छी हो जाती है। तो एग्ज़ाम में जो है, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है, 3 आवर्स में पता नहीं चलता कि कब निकल जाते हैं वो। तो बेसिकली अब मॉक टेस्ट से मेरी इतनी अच्छी स्पीड बन गई थी कि लगभग सारे ही पेपर मेरे 15 मिनट्स पहले हो गए थे टाइम से। अच्छा, पूरा पेपर आराम से हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के, जिसे चेकिंग करने का टाइम और मिल गया कि मतलब कोई गलती तो नहीं रह गई। और मॉक टेस्ट की जो लेंथ होती है वो बेसिकली वीएसआई के जो होते हैं उसमें वो काफ़ी लंबे बनते हैं, तो वहाँ से फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। वो इसी के लिए होता है कि उससे स्पीड बढ़ जाए, अदरवाइज छोटे मॉक टेस्ट तो बहुत हार्मफुल हो जाते हैं कि बाद में पता चले कि साहब वो एग्जाम में टाइम ज्यादा लग गया, दिक्कत आ जाएगी। जी अच्छा, ये बताओ कि इसके बाद जब ये 1.5 डे का गैप मिलता है मैंने एग्जाम के समय, प्रिपरेशन के समय, उसको कैसे मैनेज किया? उस समय कोई स्ट्रेस आता था क्या, तो कैसे रिलीज होता था, क्या है उसका? सर, स्ट्रेस इतना लेते नहीं थे। मतलब बेसिकली मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता था और मैं 1 घंटे के अंदर अपना सब रेडी होके और 6 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। मेरा टारगेट बस ये होता था कि शाम 7-8 बजे से पहले मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो उसके बाद ना सर प्रेशर नहीं होता कि बाद में मेरे को और भी देखना है, या उसके बाद अगर टाइम होगा नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का तो उसमें जो मैंने RTP MTPs पहले देख रखे थे, जो मार्किंग कर रखी थी, वो देख लेता था मैं। हाँ, तो मतलब एग्जाम में ज्यादा प्रेशर नहीं आया। हाँ, मैं बेसिकली 8 बजे के बाद पढ़ना छोड़ देता था। मेरे से नहीं होती थी। सुबह जल्दी उठते थे फिर बाद में। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि जैसे एग्जाम के समय और टेस्टों के समय, पहले भी आप मेरे टच में थे शुरू से, तो उसका क्या बेनिफिट मिला, क्या कोई गाइडेंस वगैरह का, या जैसे मतलब मोटिवेशन वगैरह का कोई?
सर उससे तो बहुत हेल्प मिली। बेसिकली वही ये गाइडिंग फैक्टर रहा मेरे लिए जो मैं रैंक स्कोर कर पाया। मतलब एक रोल मॉडल होना जरूरी है तो हाँ नहीं नहीं वो आप थे मेरे लिए। हाँ बिल्कुल सही है। तो इंटर भी तुम तो मेरे साथ ही थे तो उसका काफी मतलब बेनिफिट मिला कि शुरू से वो सिस्टम समझ गए कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है इंटर के समय से, जिससे कि फाइनल में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। हाँ हाँ अच्छा ये बताओ कि जैसे आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग बहुत सारे जो टीचर सैकड़ों टीचर है वो सारे अपने नोट्स मतलब व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे डालते रहते हैं, जैसे कि भाई ये पढ़ो, या मैराथन लेक्चर चलते रहते हैं कि साहब ये पढ़ो आप इससे आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, तो उसके बारे में क्या ओपिनियन है? सर, ओपिनियन बेसिकली मेरी तो ये है कि पहले तो आईसीआई का मटेरियल ही प्रेफर करो आप, और कम से कम आप एक दो बार तो उसको पढ़ो ही, और उसमें कंटेंट अच्छा दिया हुआ है। एंड देन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को सप्लीमेंट्री की ज़रूरत है, तो वो हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, वो अगर यूज़ करना चाहें तो करें, बट प्रेफर आईसीआई को करें। आईसीएम प्रेफर करें, स्पेशली जो रैंकर बच्चे हैं या पास होने वाले बच्चे हैं उनको तो कम से कम लास्ट के 6 महीने में मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हाँ उसी से पर्पस होल होगा, अदरवाइज पर्पस होल होता नहीं है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, अब आप तो सीए बन गए, अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि कौन सा मैटर पढ़ना चाहिए और कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और क्या करना चाहिए, मतलब उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। सर, जूनियर्स के लिए बेसिकली मेरा यही एक सजेशन है कि पहले तो अपनी प्लानिंग करके रखें पूरी, कि हाँ प्लानिंग और डिसिप्लिन के बिना तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग, जहाँ मटेरियल की जो बात है, तो मैंने पहले ही बताया कि आईसीआई का मटेरियल ही बिल्कुल प्रेफर करो आप, और उसके बिल्कुल बाद आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप जो भी है आपको सूटेबल लगे आप वो देख लो। और नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आप ऐसे करो कि अपना सिलेबस आप 6 महीना पहले ख़त्म कर लो कैसे भी करके, ये सबसे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल उससे कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाते हो, अदरवाइज तो क्या है कंप्लीट सिलेबस रिवाइज ही नहीं हो पाएगा तो फिर बाद में क्या है अननेसेसरी प्रेशर हाँ आता रहेगा। चलो बहुत बहुत बरान बहुत अच्छा किया आपने, और अब आप एंजॉय करो आराम से, और आप अब सीए बन गए हो, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग बची हो पूरी कंप्लीट करी और बस बाकी सब काम ओके। थैंक यू बरान, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके।